जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को धन प्राप्ति का एक उपाय बताने वाला हूँ जो हल्दी से संबंधित है। और हल्दी हर व्यक्ति के घर में बहुत ही आसानी से पाई जाती है और ये उपाय भी इतना ही आसान है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हल्दी है वह गुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करती है, उनको दर्शाती है। तो यदि आप हल्दी का कोई प्रयोग करते हैं तो इससे आपके बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं। और जब किसी भी व्यक्ति का गुरु मजबूत होता है तो वह व्यक्ति नियम में रहता है, एक लाइन में, एक सीधी लीटी में चलता है। व्यक्ति को तकलीफ कब आती है कि जब वो नियम से इधर उधर हो जाता है, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो जाता है, या जब भी कोई उस पर ऐसी कोई तकलीफ आती है, कोई मुसीबतें आती हैं, कोई संकट का समय आ जाता है, तो वो जो अपनी मेघा है उसको वो प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाता है। और तब ऐसे समय पे क्या होता है कि व्यक्ति गलत डिसीजन ले लेता है और इन गलत डिसीजन के चलते उस व्यक्ति के साथ में जितना अहित होना चाहिए था उससे अधिक अहित होता है। तो यदि आपके गुरु बलवान होंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि यदि आपका कोई व्यक्ति अहित भी कर रहा है या कहीं से आपका कोई अहित भी हो रहा है, लेकिन फिर भी आपका जो मेधा शक्ति वो एकदम प्रॉपर रहेगी, एकदम सही दिशा में रहेगी और वो आपको एकदम नियम में बांध के रखेगी। जब आप एकदम नियम में रहेंगे तो क्या होगा कि आपका जितना नुकसान होना चाहिए था उससे भी कम होगा, क्योंकि आप सावधान हो जाएंगे और इसके बाद आप जो जो डिसीजंस लेंगे वो बहुत सोच समझ कर लेंगे, ठोक भजा करके लेंगे। और जब आप इतनी सावधानी से किसी भी कार्य को करेंगे तो उस कार्य में आपका नुकसान जाना संभव नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि एक ही जगह पर कुछ लोग काम कर रहे होंगे या एक ही जैसा व्यवसाय कर रहे होंगे और कुछ लोगों को सफलता मिल जाती है और कुछ लोगों को बहुत बुरी तरह से असफलता हाथ लगती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि व्यक्ति जागरूक नहीं होता है। तो आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, इससे आपके गुरु मजबूत होंगे, विष्णु मजबूत होंगे और इससे क्या होगा कि आपको जो कुछ चाहिए जीवन में वो आप बड़ी ही सरलता से प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो नाकामी है, आपकी असफलता है, उसको आप जीत पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं, इसी तरह के ज्ञान को बढ़ावा देने में यदि आप दिलचस्पी रखते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, गुरुवार का दिन होता है, वो बृहस्पति का दिन होता है। तो आप क्या करें, जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो अपने सिर से थोड़ा सा दूर एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लें और उसमें तीन चुटकी, क्योंकि जो गुरु का अंक है वो तीन का अंक है, तीन चुटकी उसमें हल्दी डालें, पिसी हुई पाउडर हल्दी तीन चुटकी डालें और अपने सिर के पास उसको रख दें, ढक करके उसको आप रख दें, पूरी रात इसको ढका रहने दें। अगले दिन सवेरे यानी शुक्रवार के दिन सवेरे स्नान आदि नित्य कर्म से फुर्सत होने के बाद में जब आप स्वच्छ हैं, उसी समय पे क्या करें कि इस जल को आप तुलसी का जो पौधा है उसमें चढ़ा दें। तो ऐसा करने से भगवान विष्णु भी आप पर अति प्रसन्न होंगे, बृहस्पति भी आपके प्रसन्न रहेंगे, भगवान विष्णु भी प्रसन्न रहेंगे। तो आप कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे, माता लक्ष्मी का सदैव आपके घर में वास रहेगा। हर गुरुवार गुरुवार को ये उपाय करें, जब तक आप संकट की स्थिति में हैं हर गुरुवार को ये उपाय करें, आप देखना बहुत जल्द जो भी संकट की स्थिति है उसमें से आप बाहर आ जाएंगे और बहुत ही पॉजिटिवली आपकी लाइफ में सारी ही घटनाएं घटने लग जाएंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जन्म में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।